देखिए ये जो रेसिपी है ना, ऐसे लगेगा कि इसे बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये ना बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना लोगे। आप सोच भी नहीं सकते इसे जो बनाने का तरीका है इतना ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे 2 कटोरी चावल का आटा ले लिया है, तो हमें दोनों कटोरी चाहिए होगा। तो पहले हम 1 कटोरी ले लेते हैं यहाँ पे। तो इस पे ना हम पूरा गरम पानी डालेंगे उबला हुआ के, इसका डो तैयार करेंगे। यहाँ पे ना हम 1 चम्मच करीब सूजी का ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच। तो हम यहाँ पे 1.5 चम्मच सूजी दे रहे हैं। अब फिर से अभी गरम पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। से हम आटा गूंदते हैं, ठीक उसी तरह से हमें गूंद लेना है। यहाँ पे आप नारियल का बुरादा जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, हमने उसकी जगह पे सूजी का ऐड किया है। तो ये देखिए हमारा डो अभी तैयार है, तो इसे अभी हम 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं, अभी नेक्स्ट जो है उसे भी तैयार करते हैं। तो ये देखिए, ये जो चावल का आटा है इसे अभी यहाँ डालेंगे। यहाँ पे भी हम डालेंगे 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच सूजी मिलाएंगे। तो डालेंगे बीट रूट का जूस, जो बीट रूट होता है ना उसका जूस डाल के ये डो तैयार करेंगे। अभी इसमें नॉर्मल गरम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारे जो डो डो है ना वो तैयार है, मतलब 2 पार्ट, 1 सफ़ेद 1 पिंक। तो आगे का प्रोसेस करते हैं अभी। तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है ताकि ये चिपके ना, और ये जो डो है इसे अभी हम बेल लेंगे। तो ये चावल का डो है तो थोड़ा आराम से ही बेलना है। तो अभी हम इसे काट लेंगे इस तरह से, फिर इधर से भी एक निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो 2 रोटी निकल गए हैं, तो अभी इसे हम निकाल लेते हैं। इसे भी आप बाद में बेल ले सकोगे। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं, उठा लेते हैं मतलब। धीरे धीरे बारीक से। तो ये देखिए अभी हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। हम यहाँ पे 3 बॉल्स बनाएंगे इस तरह से राउंड राउंड करके। बॉल आपका बहुत ही चिकना होना है। तो यहाँ पे रखेंगे, फिर ये जो बॉल है ना इसे थोड़ा हल्का इस तरह दबाएंगे, इस तरह दबा के यहाँ रखेंगे। फिर इसके ऊपर से और 1 रोटी डालेंगे और इस तरह दबाएंगे, इस तरह से। थोड़ा फट वगैरह जाए तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, आप इसे आराम से बाद में मिला सकते हो। ये देखिए, तो ये देखिए अभी हम चम्मच से इसका शेप बनाएंगे चारों तरफ से। अभी कट लगाएंगे। तो अभी देखिए इसका जो साइड है ना इस तरह से मोड़ देंगे ताकि ये एक फूल की तरह दिखे, इस तरह से।
ये देखिए ये हो गया। अभी इसका जो बीच का हिस्सा है हम एक साइड से इस तरह से काटते जाएंगे, इस तरह से। पर इस तरह से काट देने से ही हुआ, ये देखिए। तो इसे अभी इस तरह से थोड़ा फैला सकते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे। अभी हम कढ़ाई बिठा लेते हैं। हो सकता है तो इस तरह का कढ़ाई ना ही ले तो बेहतर है, थोड़ा चौड़ा टाइप का ले, फ्राई पैन टाइप का, तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे पास यही था तो मैंने यही लिया है। हम यहाँ पे सरसों का तेल ले रहे हैं, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने तैयार कर लिया है। तो हमारे घर में दो मेंबर्स है, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चा छोटा है नहीं खा पाता है। तो ये देखिए अभी तैयार है। आपके घर में जितने मेंबर्स है उस हिसाब से बना सकते हैं। और ये जो साइज है ना काफी बड़ा है मेरे हाथ के समान, आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं। तो अभी हम इसे धीरे से तेल में छोड़ेंगे। तो देखते हैं, ये देखिए बहुत सावधानी से आपको करना है। तो ये हो रहा है, ये देखिए, वाह, देखिए, ये देखिए, ये तैयार है। इसे अभी यहाँ पे ये जो है इसे तो हम इसे पलट भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पलटूंगी क्योंकि तेल काफी है, इस तरह से फ्राई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम चीनी का चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे चीनी एक कटोरी डालेंगे, यहाँ पे दो कटोरी पानी डालेंगे और थोड़ा एक कटोरी पानी डाल के इसे अच्छी तरह से उबालेंगे। तो ये देखिए ये हमारा चाशनी अभी तैयार है, ये देखिए। तो इसमें ना आप थोड़ा सा इलायची वगैरह दे सकते हैं, हमने नहीं दिया, सिंपल रखा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि चाशनी हो चुका है? तो आपको ना थोड़ा सा इस तरह लेके आपको चेक करना है, अगर थोड़ा चिपचिपा लगे तो इसका मतलब है ये तैयार है अभी। तो इसे अभी हम निकाल लेते हैं। तो अभी ये जो है ना इसे हम चाशनी में डुबोएंगे इस तरह से, ये पूरा चाशनी जो है सोक कर लेगी, खींच लेगी अपने ऊपर, अंदर ऊपर नहीं। ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा अभी, ये देखिए। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आप चाहे तो आप एक मिनट के जैसे चाशनी में रख भी सकते हैं या तो साथ ही साथ निकाल सकते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल था ये रेसिपी, आप ना इसे कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि साथ ही साथ खत्म करना, आप 10-15 दिन तक रख के खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है। अभी हस्बैंड को देते हैं, वो बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा हुआ, खा के बताइए। वाह, मिठाई? मिठाई नहीं है, कुछ है। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये क्या मेरे मुंह में, मस्त, एक नंबर।